सोलन में आम आदमी पार्टी की बैठक आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता पार्टी के प्रदेश प्रभारी रितेश गुप्ता ने की। दिल्ली के विधायक राजकुमार इस मौके पर विशेष रूप से मौजूद रहे। इस मौके पर विधायक राजकुमार ने उपस्थित कार्यकर्ताओं को पार्टी की विचारधारा से अवगत करवाया। वहीं पार्टी द्वारा चलाई जा रही ऑक्सी योजना का सोलन में शुभारंभ किया। इस योजना के तहत कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर गरीब वासियों में ऑक्सीजन की मात्रा जांचेंगे और अगर किसी में मात्रा कम पाई जाती है तो उसे अस्पताल जाने की सलाह भी दी जा रही है। प्रदेश प्रभारी रितेश गुप्ता ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि कयास लगाए जा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ऑक्सीजन के साथ साथ आने वाले चुनावों के लिए भी जनता की नब्ज टटोल रही है। रितेश गुप्ता ने कहा कि प्रदेश भर में अभी उनके 1700 कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर क्षेत्रवासियों में ऑक्सीजन की मात्रा की जांच कर रहे हैं और अब करीब 70,000 लोगों की जांच हो चुकी है, जिनका मुख्य उद्देश्य किसी भी व्यक्ति की कोरोना से मृत्यु ना हो और समय पर कोरोना के लक्षण का पता लगाया जा सके। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार उनकी पार्टी ने दिल्ली में कोरोना पर प्रभावी ढंग से नियंत्रण पाया है, वही फॉर्मूला हिमाचल में भी लागू किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा उन पर आरोप लगा रही है कि वे ऑक्सी केंद्रों के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत है और भाजपा उनके इस कदम से घबरा रही है। मैं रत्नेश गुप्ता हूं, मैं प्रभारी हूं हिमाचल प्रदेश का आम आदमी पार्टी की तरफ से। यहां पर आज हम लोग सोलन में आए हुए हैं। सोलन के अंदर आज हमने जो मीटिंग की है, हमारे बेसिक एम है, हम लोग चाहते हैं कि कोरोना महामारी से हिमाचल प्रदेश के अंदर एक भी व्यक्ति की मौत नहीं होनी चाहिए। इसके लिए हम लोगों ने एक कार्यक्रम चलाया है, ऑक्सी केंद्र। ऑक्सी केंद्र में हमारे जो साथी हैं वो ऑक्सी मित्र कहलाएंगे और उनके बाहर एक घर के बाहर एक बोर्ड लगा होगा जिसपे लिखा होगा ऑक्सीजन जांच केंद्र। जो हमारे ऑक्सी मित्र हैं वो प्रत्येक घर में जाएंगे, प्रत्येक गाँव के प्रत्येक घर में जाएंगे और लोगों का ऑक्सीजन लेवल जाँचेंगे। जहां पर भी उनको या किसी भी व्यक्ति का ऑक्सीजन लेवल उनको 95% से कम लगेगा, वो उस व्यक्ति को बताएंगे कि आपके अंदर एक कोरोना का ये सिम्टम हो सकता है और आप इसके लिए तुरंत कोरोना जांच केंद्र में जाएं या हॉस्पिटल में जाएं। और अगर उस व्यक्ति के पास कोई साधन नहीं है हॉस्पिटल जाने के लिए, तो हमारा जो ऑक्सी मित्र है वो उनको अपने साथ हॉस्पिटल लेके जाएंगे या एम्बुलेंस की व्यवस्था करेंगे।